इंडियन क्रिकेट टीम की तारीख ये बताती है कि आईपीएल और वर्ल्ड टी20 ये जब भी आगे पीछे हुए हैं ना, तो भाई साहब इन दोनों ने ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना वो सितारों को गर्दिश दी है टीम इंडिया के सितारे गर्दिश करने की बजाय समझो अपना मदार ही छोड़कर निकल गए, यूनिवर्स से ही बाहर निकल गए। टीम इंडिया के लिए आईपीएल और वर्ल्ड टी20 का एक साथ होना इतना जिसे कहते हैं बैड लक का वो जिसे कहते हैं रीजन बनता है, पूछो कैसे। सर मैंने आपको एक वीडियो में पीछे बताया था कि 15 प्लेयर्स जो टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड टी20 के लिए, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसकी फ्रेंचाइज आईपीएल का फाइनल खेली हो अभी 2024 वाला, यानी कि केकेआर का, कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई प्लेयर नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद का कोई प्लेयर नहीं है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आईपीएल और वर्ल्ड टी20 का, वो अब फैक्ट सुने। जिस भी साल, और ये तीन मरतबा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 2009, 2010 और 2021, जब भी आईपीएल खेला गया है और आईपीएल के इमीडिएट बाद हुआ है वर्ल्ड टी20, ठीक उस साल टीम इंडिया वो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। ये इससे पहले जिसे कहते हैं तीन मरतबा हो चुका है, मतलब अभी हुआ नहीं है, वही मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सुपरस्टिशियस टाइप की ये चीज़ बन जाएगी। फैक्ट मौजूद है, डाटा मौजूद है, लेकिन उस फैक्ट और डाटा की बेस के ऊपर क्या आप 2024 का सेम चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। वो सुपरस्टिशियस अगर आप हैं कि यार तब भी हुआ था अब भी ना हो जाए, तो वो एक अलहदा बात है। 2009 में इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकी, वर्ल्ड टी20 हुआ आईपीएल के फौरन बाद। 2010 में इंडियन टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकी, वर्ल्ड टी20 हुआ राइट आफ्टर आईपीएल। और उसके बाद 2021 में इंडियन टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकी, आईपीएल हुआ वर्ल्ड टी20 से पहले। ये तीन साल हैं, और अब ये 2024 में एक मरतबा फिर आईपीएल हो चुका है, फाइनल रह गया बस, और उसके बाद अब वर्ल्ड टी20 है। तो आई डोंट नो टीम इंडिया का क्या बनता है, काफ़ी डिफरेंट किस्म का फैक्ट है, इसके ऊपर कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर हम सिर्फ डाटा की बेस पर बात करें तो इंडियन टीम स्ट्रांग नज़र आती है, प्रैक्टिस ठीक ठाक हुई भी है, आईपीएल को तगड़ा किस्म का खेला वैसा बने, थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म आप कह सकते हैं, जैसे रोहित का उस तरीके से बल्ला नहीं चला, स्टार्ट ऑफ द सीज़न तबाकुन बल्ला चला लेकिन सेकंड हाफ में वो थोड़े लड़खड़ाते हुए नज़र आए, हार्दिक पांड्या उनकी भी जोल्टेड टाइप की परफॉर्मेंसेज हैं, फिर लेकिन विराट कोहली एक्सेप्शनल, सूर्या कुमार यादव बेहतरीन, बुमराह बेहतरीन, बाकी नीचे जितने भी हैं दुबे, पटेल, जडेजा, अर्शदीप, वो सारे ठीक हैं, ये मोटे मोटे नाम उनकी परफॉर्मेंसेज का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑन पेपर टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, स्पिनर्स भी अच्छे खासे डाले हुए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि उसका पास चले वो तो 4-5 स्पिनर्स ले जाए, रोहित शर्मा ने ये कहा था, और इनफैक्ट अभी भी रोहित शर्मा के पास ठीक ठाक नंबर ऑफ स्पिनर्स है ना, जडेजा देख लें, पटेल है आपके पास, आपके पास चाहल है, आपके पास कुलदीप है, 4 स्पिनर्स तो आप वैसे ही लेकर जा रहे हैं, और चारों जिसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, और उसके अलावा भी वो रोहित को स्पिनर चाहिए था। और जस्टिफिकेशन या इस जब पूछा गया था तो उसका रोहित ने ये कहा था कि ये इस सवाल का जवाब कि मैं इतने स्पिनर्स क्यों लेकर जाना चाहता हूँ, ये आपको तब पता चलेगा जब टीम इंडिया जाकर खेलेगी वर्ल्ड टी20 यूएस और वेस्ट इंडीज़ के अंदर। ये रोहित का ऑन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं जवाब है। अच्छा, अब क्या रोहित शर्मा वो जो एक पीछे से एक डाटा या एक फैक्ट चला रहा है उसको गलत प्रूव करने में कामयाब होंगे या नहीं, अनदर मेजर क्वेश्चन, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा और विराट कोहली का शायद ये आखिरी वर्ल्ड टी20 हो, ये दोनों इस वर्ल्ड टी20 के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, ये खबरें आ रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोनों डेफिनेटली चाहेंगे कि यार ये जब क्रिकेट का ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट छोड़ें तो एक विनिंग नोट के ऊपर छोड़ें, एक लेगेसी कायम करके छोड़ें ना, ये हर क्रिकेटर का जिसे कहते हैं ख्वाब होता है, हर ड्रीम होता है, वो इसकी जुस्तजू करता है कि यार जब वो क्रिकेट छोड़े तो उसका नाम बाकी रहे, उसकी लेगेसी बाकी रहे। यार क्रिकेटर का अरमान भी होता है, डिज़ायर भी होती है, ख्वाब भी होता है, उसको पूरा करने के चक्रों में भी वो लगा रहता है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ये कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो डाटा है ये तो कुछ ही अच्छी तरफ इशारा नहीं करता। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि इस डाटे के हिसाब से देखा जाए तो टीम इंडिया के सितारे गर्दिश में नहीं हैं,
वो बुनियादी तौर पर यूनिवर्स से ही बाहर निकले हुए हैं। लेकिन आप अगर मेहनत करें, चीज़ों को ज़रा तगड़ा होकर पकड़ के रखें, तो देर इज़ अ चांस कि आप अपने सितारों की गर्दिश जो है वो वापस भी ला सकते हैं नॉर्मल के ऊपर, और टीम इंडिया के अंदर ये सलाहियत है। बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं, US के जो मैचेस हैं ना वो तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, उनके बारे में तो कोई अभी तक कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। वो पिचेस कैसी होंगी, वो कंडीशंस वहाँ पर किस तरीके से बनती हैं, पिचेस किस तरह बिहेव करती हैं, आउटफील्ड कैसी, ये सारा कुछ, ये जितना भी मामला है ना उसके ऊपर अभी समझे कि चादर डली हुई है, और वो चादर उठेगी प्रैक्टिस मैचेस में। प्रैक्टिस मैचेस से आपको काफ़ी हद तक पिचेस का और बाकी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, तो टीम इंडिया के लिए ना अपना प्लेइंग 11 बनाना, अपना कम्बिनेशन बनाना वो ज़रा इजी हो जाएगा प्रैक्टिस मैचेस के, जिसे कहते हैं उनकी वजह से और उनके हिसाब किताब में। तो लेट्स सी क्या बनता है। ये एक IPL और वर्ल्ड T20 का फैक्ट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसको दिल में नहीं लेना। हाँ, सुपरस्टिशियस है यार, मानना कुछ ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है टीम इंडिया इस दफ़ा सेमीफाइनल क्या फाइनल क्या खेल के जीत भी जाए, यू नेवर नो। दो के वो मेरे कई इंडियन फैंस वो ये कह रहे होते हैं कि कब आएगा वो मौका, साली ये दुख कहे ख़त्म नहीं होते। वो मीम तो बहुत चलती है, हर वर्ल्ड कप के बाद चलती है भाई वो मीम, इंडियन सोशल मीडिया पे बहुत चलती है। कोई बात नहीं, दुख भी ख़त्म हो जाएंगे, सुख नहीं खत्म रहे तो दुख भी किसी ना किसी दिन चले जाएंगे। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।